चलिए अभी चलते हैं। तो अभी आ गए हैं हमें लेने के लिए, चले ये नहीं है हम ले रहे, ऐसा नहीं चलाने का तरीका से पता चल गया। तो अभी खाना बनाया, सुनीता आपका भी चैनल है ना। हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, कैसे हैं आप सब, उम्मीद अच्छे होंगे, नाम भी अच्छे हैं। स्वागत है आप सभी का एक और न्यू प्यारा सा ब्लॉग। दोस्तों हमारे ब्लॉग वीडियो पर बने रहिएगा, आशा है बने रहेंगे, लाइक भी करेंगे, उसके लिए आप सभी को हां जोड़ बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए इस प्यारे से ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। तो जी कंटिन्यू करने से पहले आप सबको बता दें हम लोग अभी तुर्की में है, कहने का मतलब एक तुर्की स्टेशन आया है, यहीं पे अभी है। कहीं बोर्डवा नहीं दिख रहा, पिछले ब्लॉग में दिखाया था ना, दिख रहा है आपको तो ये देख सकते हैं तुर्की रेलवे स्टेशन है ये, और यहाँ पे हम लोग अभी पहुंचे हैं। पिछला व्लॉग जहाँ से एंड किए थे वहीं से ये व्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं। बिहार वहाँ जमुई तक जाता है ना, अभी जमुई रात में आएगा शायद। तो चलिए आप सब बने रहिए हमारे ब्लॉग वीडियो के साथ और इस सफर का मजा लेते हैं। तो अभी शाम हो गया है दोस्तों, और अभी हम आए थे इधर देख सकते हैं पूरा शाम हो गया है और मौसम काफी प्यारा लग रहा है। क्या कर रही बेटा? खेल रही हूँ। खेल रही हो? तो अभी रात हो गया है, करीब कितना टाइम हो रहा है? साढ़े आठ हो रहा है। हाँ अभी हम लोग खेल रहे थे। आप ट्रेवल एंजॉय कर रही हो? तो अभी क्या है ना कि रात का 9 बज रहा है और अभी खाना हमारा आने वाला है ना, सब लोग सो रहे हैं, मानसी भी सो गई यहाँ पे। तो काजल अभी लिट्टी खा ली है, लिट्टी खा के सो रही है, हम लोगों का खाना अभी तक नहीं आया। तो मानसी और हम बैठे हुए, सब लोग सो गए हैं, ट्रेन लेट हो गई इस वजह से ना। मानसी को मुंह ढक के बोलिए सोने के लिए, बहुत ठंड। हाँ मुंह ढक लो बेटा, ठंड लग, ऊपर से पानी अलग अलग मिलेगा। तो फ्रेंड अभी गुड मॉर्निंग, और सुबह का 5:30 होने वाला है और मैं एकदम सर्दी जुकाम हो गया है क्योंकि ऊपर में सोई थी और ठंड बहुत ज़्यादा लगी है। मानसी को उठाने के चक्कर में मैं उठ ही गई, और देखिए अभी हम पहुँचने ही वाले हैं, सुबह हो गया है तो देख सकते हैं सुबह हो गया, क्या ही प्यारा दृश्य है, बहुत सुंदर लग रहा है। बस खाली देखिए गाछ वृक्ष और ऊंचाई नीचाई दिख रहा है, मतलब पहाड़ी एरिया, तो बहुत अच्छा ही लग रहा है। और मानसी बेटा सोई है अकेले, तो जैसे ही पहुंच जाते हैं तो जगा लेते हैं फटाक से, सारा सामान सेट है। मानसी पापा देख रहे हैं कि और कितना टाइम लगेगा, 10 से 15 मिनट लगेगा और बाहर में। मानसी तो मानसी भी उठ गई है ना, डुल्लू उठी है, डुल्लू पापा के साथ प्रैंक कर रहे थे ना हम लोग, बोलते मानसी ऊपर सोई है जगाइए, मानसी को मैसेज छिपाया था ना। और देखिए क्या नजारा है बाहर, सुबह का 5 बज रहा है अभी। हाँ 5:40 होने वाला है, 5:40 में बरक में पूरी रुक जाए। इस पहाड़ का चोटी ही नहीं दिख रहा है, उसी पर हमारे पापा स्लाइड करेंगे। हाँ मानसी का देखो, वाह उस पर से कौन स्लाइड करेगा, बुआ करेगी स्लाइड ना, तभी तो बहुत मजा आएगा उसे पता है। आप मत जाना, बुआ जाएंगी पापा जाएंगे है ना, हमें पकड़ लाना। हाँ मैं आपको पकड़ लूंगी। तो अभी दोस्तों हम लोग पहुंचने वाले हैं मुरी जंक्शन है ना बेटा। तो मानसी को ट्रेन में बहुत ज्यादा एंजॉय होगा, अंकल आंटी मिल गए थे, खूब खेली है सबके साथ। तो ये आ गया है, अच्छा इधर आ गया, चलो इधर चलिए उतरते हैं। तो अभी उतर गए हैं दोस्तों, और ये है हमारा मौर्य एक्सप्रेस जो कि बहुत ही 18 घंटा 19 घंटा ले लिया। हाँ चलिए चलते हैं बाहर में है ना बेटा, चलो बाहर चलोगी? चलिए अभी चलते हैं।
हाँ हाँ खूब चलती है। चलो तो अभी आ गए हैं हमें लेने के लिए, चले जाते हैं वहीं से ही ऐसे। अरे वही है आराम से। हम तो पहचान ले, काजल पहचान ही नहीं रहे, कह रहे नहीं ये नहीं है। हम बोला अरे ऐसा नहीं, चलाने का तरीका से पता चल गया। हाँ नागिन बना रहे थे। और चांदनी कैसी हो? देखो बेटा दीदी आई है, इधर है दीदी, देखो चले। चलिए नमस्कार प्रणाम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, नमस्ते। तो चलिए अभी चलते हैं। मानसी बेटा कैसे? मानसी इधर छुप रही है और चांदनी इधर है। चलिए चलते हैं, देखिए बैग बैठा, बैग बिछा के बैठाए थे। पता है कि मानसी आ रही है तो मैं भी जाऊंगी। चलो हाँ, उस बार पहाड़ों पे से कैसे भाग, दोनों दौड़ लगा रहे थे ना, रेस लगा रहे थे। चलो बेटा है ना, तो चलिए अभी चलते हैं। अभी बैठ गए हैं गाड़ी में। उस टाइम से लोग पता है कैसे देख रहे थे, कैसे लग रहा था कि मतलब ये लोग गुम हो गए हैं, लग रहा है कोई है ही नहीं इनका, इसलिए सब लोग पूछ रहे कि कहाँ जाना है। हम बोले कि इधर कौन सा रामगढ़ बोलते हैं ना, रामगढ़ बोलते हैं। वो कह रहे चलिए ना हम ट्रेन से चलते हैं, आपको लेके चलते हैं ट्रेन से। अंकल जी पीछे ही पड़ गए थे एकदम ना, हमारे साथ चलिए ट्रेन से चलिए, आने वाला नहीं बोले कि हमारे, हम बोले कि हमारे फ्रेंड के यहाँ जा रहे हैं। कह रहे फ्रेंड कैसे हुए? तो अभी देखिए पहुँचने ही वाले हैं उसी समय में, और इस टाइम कोई दुकानें नहीं खुला अभी। अभी हम बीज भाई से पूछ रहे थे, हमारा गांव का जो इधर क्षेत्र है ना पूरा रूलर है, दुकान ही नहीं है पूरा खाली खाली। तो बोल रहे थे गोला जाना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ खुलेगा तो शाम को, शाम बजे के बाद 8 बजे खुलेगा, 8 हाँ। 8 बजे के बाद। तो चलिए इंतजार करेंगे अभी, तब तक चलते हैं है ना, कहाँ रुकेंगे। और देखिए क्या ही व्यू है इधर का, पहाड़ बड़ा बड़ा, बादलों में छुप गया है पहाड़ है ना। इस बार भी आए थे तो पहाड़ दिखा था, उस टाइम ये बादल नहीं था, मतलब दिन के टाइम आए थे, धूप था उस टाइम। अभी ठंडा ठंडा मौसम है। आपको स्लाइड दिख गया? ये पहाड़ को कह रही है स्लाइड, इसपे से फिसलोगी, गिर जाओगी, बहुत ऊपर है ना। आ जाओ चांदनी, उतारो दोनों को। अरे बस आ जाओ, कोई बात नहीं, ट्रेन अभी भी हिल रहा है हम सबको। चलो चलो चांदनी आ जाओ। हाँ है, तो अभी आ गए हैं विजय भाई के सपनों के घर में। बिलिया बार बार नीचे आ रही है बेगवा का। ये वहां तक गई थी, स्वागत के लिए भैया, स्वागत के लिए। चलिए आ गए, खोले नहीं हम खोल लेते। और उधर ट्रेन में उधर बेटा आ गई। हाँ ये बिल्ली हम लोग को वहां से रिसीव करने गई थी, फाटक के पास ना। कितना ही प्यारा लग रहा है बाहर निकलो, इतना बड़ा पहाड़ का दृश्य। स्वागत है काजल का। अभी जाएंगे, हम जाएंगे तो अभी। हाँ खाना बन रहा है। इसका तो नाम जानते हैं, इनका सुनीता, सुनीता। और उनका नहीं जानते, नीतू नीतू। हाँ हाँ, दोनों लोग एक ही जैसे लगते हैं थोड़ा। तो अभी खाना बना रहे हैं मानसी और चांदनी, दोनों लोग साथ में ही आए थे। तो अभी देखिए बिल्ली को मानसी ने बिस्किट खिलाया है ना। हाँ। खा रही है तो खूब खुश होकर मेरे से कह रही, पापा देखो कैसे खा रही है ना। खुश कर दी हूँ मैं, लेकिन उसे बहुत जोर से भूख लग रहा था। अच्छा आप उसको खुश कर दी हो? खाने लगी। हाँ देखो मुर्गी और बिल्ली दोनों साथ में कैसे प्यार से खा रही है ना। ये देखो ब्लैक वाली। हाँ ये ब्लैक वाली है। हाँ छोड़ दो, खाने दो खाने दो, है ना। लेकिन वो तो डर गई मेरे से। वो डर गई आपसे? क्या कर रही है? इसीलिए खरीदवाई थी वहां बिल्ली को, देख के बोली कि बिस्किट खरीदो पापा, खिला रही है कितना प्यार से। देखो कैसे खा रही है ना। हाँ बेटा देखो, भी आ गई। हाँ मुर्गी भी खाई गई है ना। हाँ वो भी आ गई, दे तो गिरा के खा रही। तो अभी खाना बना है। सुनीता आपका भी चैनल है ना? हाँ। हम देखते हैं डेली देखते हैं आपका भी। और पीछे में नानी जी बैठी हैं। पहचान रही हैं हमको? नहीं पहचान, वो कहाँ से देखेंगी? पहचान रही है, देख हमको।
हाँ पिछली बार आए थे तो देखी थी। वो अपने भाषा में बोल रहे होंगे। अब सुनीता आप हमारी वीडियो देखते हो? ऐसे देखते चलिए तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक ले जय हिंद, टेक केयर, बाय।